Hello everyone, this is Anup Rana. I am a Java Android trainer in InfoViz software solution, Chandigarh. Today, here we are going to discuss about types of programming languages. Okay, so what are types of programming languages? Sometimes when I ask this question to the students, what they will say? Sir, types of programming language means C++, Java, Python, PHP. That's not the right answer. Okay. They all are high level languages, which is the part of programming languages. So first type is machine language. Okay, machine language. Second one is assembly language. And third one is high level language. Okay, so what is machine language? Machine language generally named as binary or low level language. ओके तो होता क्या है इसमें आपका जो मशीन लैंग्वेज पे जो काम होता है ये जनरली दो स्ट्रिंग में होता है एक तो आपका जीरोस एंड वन या तो जीरो पे काम होगा फिर वंस पे काम होगा आपने देखा होगा जनरली किसी नंबर को बाइनरी नंबर को तो इस तरीके से फॉर्म होता है वो ठीक है तो ये आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है यूजर फ्रेंडली ठीक है यूजर फ्रेंडली मींस यूजर फ्रेंडली नॉट यूजर फ्रेंडली इसका मतलब ये है कि ये यूजर के समझ में नहीं आती यानी ये एक लो लेवल लैंग्वेज केवल मशीन को ही समझ में आती है ओके तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अंडरस्टूड बाय मशीन ओनली केवल मशीन को ही समझ में आ सकती है क्योंकि मशीन को ही समझ में आ सकती है तो ये थोड़ा फास्ट हो जाती है क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट होने के कारण ये पोर्टेबल मींस आपने एक बार इसको किसी एक आर्किटेक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कोड कर दिया तो आप इसे बाकी अदर लैंग्वेजेस में आपको कोड करने वो आपको रिजल्ट के लिए अलग कोड करना पड़ेगा ठीक है तो बाद में आपकी इसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा फास्ट थी और ईजी थी ईजी इन द सेंस ऑफ क्योंकि यहाँ पर आपको वंस एंड जीरो ना लिख के आपको यहाँ पे निमोनिक कोड लिखने होते थे ठीक है तो यूज्ड निमोनिक कोड्स इन प्लेस ऑफ जीरोज एंड वंस तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना होता था तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे a फॉर एडिशन और अगर मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा था तो फिर यहाँ पे सब लिखना होता था सब फॉर सब्ट्रैक्शन मीन्स आपको अगर इस लैंग्वेज में कोड करना था तो आपको ये निमोनिक कोड्स यहाँ पे याद रखने होते थे ऐड सब और मूव करके इस तरीके से आपको ये कोड यहाँ पे याद रखने होते थे ठीक है इसमें एरर फाइंड करना मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी था क्योंकि आपको सिंपली समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इजी टू डीबग देन मशीन लैंग्वेज ओके और इसका एक डिसएडवांटेज यही था कि आपको इसमें कोड करने के लिए आपको ये निमोनिक कोड का ध्यान रखना होगा ऐसे बहुत सारे निमोनिक कोड जिनको आपको याद करना होगा ओके तो यहाँ पे निमोनिक कोड के बेस पे आपको इस लैंग्वेज को करना होता था ठीक है तो उसके लिए ये केवल लिमिटेड टाइम तक ही चली यूज्ड फॉर लिमिटेड टाइम ओनली ओके उसके बाद आपकी मशीन लैंग्वेज आती है हाई लेवल लैंग्वेज जो कि यूज़र फ्रेंडली है और यहाँ पर आप सेम वैसे ही कोड करते हो जैसे कि आप अपनी नोटबुक में लिखते हो ओके इस तरीके से तो ये इसके साथ साथ पोर्टेबल भी है पोर्टेबल मीन्स आप एक बार कोड करते हो किसी भी
अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन कर सकते हो।